सो अगर आप लोग इस दिवाली के ऑफर में भी 30,000 रुपये के अंदर में लाइक रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो जैसे स्मार्टफोन को लेने चाह रहे हो तो यार उसमें क्या ही कर लोगे। ज़्यादा 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत गेमिंग खेल सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते यार। नया चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा उसमें। बट हम इसी प्राइस सेगमेंट में अगर एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताएं जिसमें आप लोग 4K नहीं 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30,000 रुपये के अंदर में, वो भी ना इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड स्मार्टफोन आ जाता है। लिटरली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि 30,000 रुपये के अंदर में 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा ना सबसे टॉप लेवल का प्रोसेसर डाला गया जिसमें आप लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम भी खेल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। प्राइस सेगमेंट में जहां पे एमोलेड डिस्प्ले ना, इसमें 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मुझे यकीन नहीं होता था 30,000 रुपये के अंदर में ऐसा स्मार्टफोन भी आ सकता है। बट यार अभी दिवाली का ऊपर आप लोगों को पता ही होगा अभी प्राइस डिक्रीज हो चुका है और ये स्मार्टफोन आ जाता है गैलेक्सी S23 FE, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है, सैमसंग का स्मार्टफोन। आप लोग तो समझ ही गए हैं कि यार ये वैल्यू फॉर ब्रांड है, बहुत ही ज्यादा इसका रेटिंग रहता है और ये स्मार्टफोन भी बहुत ही ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो यार अब 2025 आने जा रहा है और अगर आप लोग 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग वाले स्मार्टफोन के साथ में जाते हैं तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए ये 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है, ब्लॉगिंग हो, रील्स हो, कुछ भी हो। चलिए जानते हैं आगे, बट उससे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, हमेशा से समय टिंकू एंड हमारे चैनल मास्टर मिस्टर टिंकू में आपका स्वागत है। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा। अच्छा, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा इस तरीके से। और इसका डिजाइनिंग की अगर बात ही की जाए ना तो बहुत ही अलग लेवल का दिया गया है, बहुत ज्यादा बेस्ट डिजाइनिंग है यार। और इसका प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए तो 29,999 दिया गया है, 30,000 रुपये इसका एग्जैक्टली प्राइस रखा गया है। जहां ने ओप्पो वीवो वाले ऐसे कुछ रेडमी वगैरह स्मार्टफोन आ जाते हैं और यार फीचर्स भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है वो सारे स्मार्टफोन में। बट यहाँ पे इसका बैक डिजाइनिंग देख सकते कुछ इस तरीके से, बहुत ज्यादा स्लिम डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग देखने में लग रहा है इसका। देख सकते फ्रंट में कुछ इस लाइक इस तरीके से दिया गया है। डिजाइनिंग के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बेस्ट है, स्लिम है और बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग दिया गया है। सोचे जी बात करते हैं इसका फीचर्स को लेकर के क्या क्या देने वाला है 30,000 रुपये के अंदर में, जो अलग बनाता है अदर स्मार्टफोन से। तो प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे सैमसंग एक्सनोस 2200 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 2.8 हर्ट्ज तक इसका क्लॉक का स्पीड मैक्सिमम जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 हर्ट्ज के आसपास में है और 30,000 रुपये के अंदर में, तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट इसका क्लॉक का स्पीड भी दिया गया। आप लोग गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी तरीके से इसमें खेल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो 30,000 रुपये के अंदर में शायद ही ऐसा स्मार्टफोन होगा जो 256GB का स्टोरेज दे रहा है। ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो 128GB ही दे रहे हैं, तो इसमें भी 128GB मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाता है देखने को, DDR4 पे दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम, रैम और स्टोरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस प्राइसिंग में। इसके अलावा यहाँ पे 6.4 इंच के साथ डायनेमिक एमोलेड 2x का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120Hz का रेफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 120Hz रेफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यार ये एक नया फीचर आता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं होता है, डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया रहे हैं। ओके, और इसके अलावा अगर बात की जाए आप कैमरा सेटअप में लेकर के, क्योंकि यहाँ तक तो इसका फीचर्स बहुत ज्यादा बेस्ट। सो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 50+12 MP का बैक साइड का कैमरा, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे खासे वीडियोस को शूट कर सकते हैं। तो इसमें जो फीचर्स दिया गया ना बैक कैमरे में, वो यहाँ पे सारा चीज देखने को मिल जाता है, जैसे लाइक पोर्ट्रेट फोटोज, पोर्ट्रेट वीडियोज देखने को मिल जाता है, प्रो वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन वगैरह, सुपर स्लो मोशन वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे दिए गए हैं। आप 30,000 रुपये के अंदर में आप सिनेमेटिक वीडियोस यानी कि पोर्ट्रेट वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे इस स्मार्टफोन से। साथ ही 10 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि फिक्स्ड फोकस के साथ में आता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 10 MP वैसे देखो मेगापिक्सल ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसका क्वालिटी मायने रखता है कि इस तरीके का फोटो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी वो निकाल के दे रहा है। सो यहाँ पे बात करते हैं वीडियोज क्वालिटी को लेकर के, यहाँ पे देखते हैं अल्ट्रा HD 8K वीडियोज को 24 FPS पर ये रिकॉर्ड करके दे देगा। 30,000 रुपये के अंदर में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है ना, वो हाईएस्टली 4K वीडियोस को 30 और 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाता है। तो यहाँ पे एक ये लेटेस्ट फीचर्स और नया फीचर्स मुझे देखने को मिला कि 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। साथ साथ यहाँ पे अप टू 30x तक जूम देखने को मिल जाता है, 30x आप समझ सकते हैं यार इस प्राइस सेगमेंट में 30x जूम भी देखने को मिल जाता है, 8K वीडियोस रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, अगर आप लोग जूमिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। एंड इसके अलावा यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है, आप लोग अच्छे खासे गेमिंग खेल सकते हैं, बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है वैसे सैमसंग का। ओके, अगर वेट की बात की 209 ग्राम 209 ग्राम के लगभग इसका वेट रखा गया है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है बट उतना ज्यादा हैवी नहीं होगा 200 ग्राम के आसपास में। सुपर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही जल्द चार्ज भी कर देगा इस स्मार्टफोन को। और ये स्मार्टफोन की ये भी खासियत है कि यहाँ पे लो लाइट में भी ये कि अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, वीडियोस या फिर फोटोज हो बहुत ही अच्छा क्लिक करके ये दे देगा। फिर ये आ जाता है 30,000 के अंदर में एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप
8K के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छे खासे गेमिंग को भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 30x तक जूम भी देखने को मिल जाता है, 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो अदर स्मार्टफोन में अगर आप लोग ये सारे फीचर्स खोजोगे ना तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एक ये वैल्यू फॉर ब्रांड भी है, सैमसंग का ज्यादातर स्मार्टफोन चलता है इंडिया में। अगर आप लोग इस दिवाली ऑफर में 30 रुपए के अंदर में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, जैसे कि गैलेक्सी S23 FE बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बट अगर आप लोग अदर स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हो या 30,000 के अंदर में, तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप लोग इस स्मार्टफोन में इंटरेस्ट हो लेने के लिए तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी ज्यादा इसी तरह का वीडियोस मिलते रहेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और बगल में जो बेल आइकन रहता है उसे जरूर प्रेस कर देना, इससे नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो सर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।